नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ दो ऐसे प्लैनेट के बारे में जिनके नाम से ही हम सब डरते हैं। एक है राहु महाराज और एक है शनि महाराज। यदि किसी पार्टिकुलर चार्ट में इन दोनों की युति हो तो ऐसे जातकों को क्या फल जीवन में मिल पाते हैं, या गोचर में इन दोनों की युति हो जाए तो इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शनि, जिसे हम कर्म का कारक कहते हैं, और वो नजर का भी कारक है। राहु, जो अचानक से कोई भी घटना शुभ या अशुभ कर सकता है, लेकिन ऊपरी हवाओं का भी वो कारक है। दोनों प्लैनेट, देखिए, यदि किसी चार्ट में हमें राहु को समझना हो, दोनों अलग अलग बैठे हों, तो हमें उसके लिए शनि को देखना पड़ता है। यदि किसी चार्ट में पर्टिकुलर में शनि अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, अपनी राशि का है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ भावों में है, तो निसंदेह राहु भी अच्छा फल देने में सक्षम होता है। और शनि कितना अच्छा है, कितना शुभ है, कितना उसमें बल है, वो सब जानने के लिए हमें चंद्रमा की पोजिशन भी देखनी पड़ती है। कोई चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी फीलिंग का कारक है। विपरीत परिस्थितियों में यदि जीवन में आ जाए और चंद्रमा मजबूत होगा, निसंदेह जातक उन परिस्थितियों को सह लेगा, फेस कर लेगा। और यदि चंद्रमा भी कहीं खराब हो तो विपरीत परिस्थितियों का जातक सामना नहीं कर पाता। तो इसीलिए यदि अलग अलग हों तो इस प्रकार, और यदि दोनों युति योग में हो किसी चार्ट में या गोचर में, उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, शुभ या अशुभ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP से, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी। चलिए बात करते हैं राहु शनि की युति के बारे में। दोनों प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करते हैं। राहु शनि युति, जैसे मैंने कहा कि शनि नज़र का कारक है, राहु ऊपरी हवाओं का कारक है, तो निसंदेह ऐसे जातक जो होते हैं उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है, जरा सी उन्होंने खुशी मनाई, किसी फंक्शन में गए, अच्छा हंस लिया, समझो नज़र लग गई। वापस घर आते ही मानसिक तनाव, शरीर पर दबाव बढ़ना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, कुछ भी ऐसी घटना हो जाना जिससे हेल्थ पर शारीरिक या मानसिक अशुभ प्रभाव पड़ जाना। शनि राहु युति ऐसी अचनचेत घटना जिसके बारे में दूर दूर तक अंदेशा ना हो, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना, ऐसी युति के कारण जीवन में एक के बाद एक मुसीबत जो है गले पड़ी रहती है। ये युति दोस्तों किसी भी भाव में आप इसे रख लीजिए, अकेले अकेले दोनों ठीक हैं, राहु अकेला हो, शनि अकेला हो, लेकिन जब इनकी युति एक हो जाती है किसी भी भाव में, 12 के 12 भाव, तो इस युति का जीवन में हमें अशुभ जो प्रभाव है वो मिलता ही मिलता है। ऐसे जातक जिनके चार्ट में ये युति हो, मकान कितना भी इनका घर खूबसूरत हो, कितना भी साफ सफाई रखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैड स्मेल वहाँ से देखने को मिलती है। घर की दीवारें, उनमें दरार पड़ी मिलेगी,
घर का जो फर्श है उसमें दरार पड़ी मिल सकती है। घर के अंदर से जहरीले जीव जंतु वास करते हैं। ये युति दोस्तों पहले भाव में हो जाए, अब पहला भाव हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी हेल्थ का, हमारी लॉन्गविटी का, इन सब चीज़ों को, नेम फेम को दर्शाता है। और पहले भाव में ये युति इन सब चीज़ों में हमें अशुभ फल प्रदान करती है। इसी तरह सेकंड भाव में ये युति रख लें तो परिवार का भाव है, धन का भाव है, तो वहाँ भी अशुभ फल मिलते हैं। थर्ड भाव हिम्मत का, छोटे भाई बहनों का, तो वहाँ भी हमें अशुभ फल मिलते ही मिलते हैं। यात्रा का भाव है, यात्रा करते समय कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाना, बुरी घटना। फोर्थ में रख लीजिए माता का भाव है, वो सुख भाव है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आ जाए तो जातक माता से किसी भी कारण से दूर भी जा सकता है, माता का सुख कम मिलता है। फिफ्थ भाव में संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हो जाती है कि एजुकेशन जातक की पूरी नहीं होती या संतान पक्ष से परेशानी रहती है जीवन में। ये ज्योति सिक्स भाव में आ जाए, अकेले के लिए आ जाए सिक्स भाव में तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब ये ज्योति बनाकर आ जाते हैं तो रोग का, कर्जे का, बीमारी का भाव है वो, तो परेशानी देखने को मिलती है। ऐसी ज्योति यदि कोई ऐसा जातक जो अपना, जिसके पास नौकर चाकर काम करते हों, यह भी देखने में आया कि नौकर चाकर वहाँ पर वफादार नहीं होते। सेवंथ भाव में पार्टनरशिप व्यापार है, मैरिड लाइफ है, वहाँ इसका बुरा प्रभाव मिलता ही मिलता है। एट भाव में सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव वहाँ मिलता है, जैसे किसी ने जादू टोना या ऐसा कुछ जिसे कहते हैं कि बांधना, ऐसी अजीब चीज़ें जो हैं उसका प्रभाव रहता है। नाइन्थ भाव भाग्यहीन, भाग्य के रास्ते में हमेशा रोड़े बिखरे रहते हैं, जिसको पार करना बार बार जातक चाहता है लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। टेंथ भाव में कर्म का भाव है, तो कर्म में रुकावट, कारखाना तो चलता हुआ बंद हो जाना। इलेवन भाव जातक मुसीबतों से लड़ता लड़ता हार कर बैठ जाता है और मेहनत के बाद भी उसे वो फल नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। ट्वेल्थ भाव अननेसेसरी खर्चों को बढ़ाता है, हॉस्पिटल का है, जेल का है। ये भी देखा गया दोस्तों कि ये ज्योति किसी भी भाव में हो और मान लो इसकी दशा भुक्ति अंतर कुछ नहीं चल रहा, किसी शुभ ग्रह की, योगकारी ग्रह की दशा चल रही हो, और यदि उस शुभ योगकारी ग्रह के ऊपर इस युति का प्रभाव हो किसी भी तरीके से हो, तब भी वो योगकारी ग्रह हमें वो शुभ फल नहीं दे पाता जिसके हम हकदार होते हैं, सिर्फ इस युति की वजह से। अब बात करते हैं कि क्या इन दोनों की युति के कारण ही ये सब कुछ होता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये युति अभी भी बनी हुई है गोचर में, और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कुछ दिन पहले कि राहु और शनि जो हैं चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और मैंने वहाँ बताया था कि जिनको सारस्वती चल रही है, ढैया चल रहा है, या जन्म का जिनके चार्ट में शनि चंद्र के साइन में हो, स्टार में हो, या चंद्र शनि के स्टार में हो, साइन में हो, या राहु चंद्र के इसी तरह, तो उनको मानसिक जो है दबाव बढ़ेगा, इस समय भ्रम की स्थिति में रहेंगे, फैसला नहीं कर पाएंगे कोई। वहाँ मैं इस युति के बारे में चर्चा नहीं की थी, उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के मैसेज आए, तो आज इसलिए मैं इस युति की चर्चा करूं। और ये युति अभी भी गोचर में बनी हुई है, मैं बताता हूं कैसे। जिनके जन्म चार्ट में ये युति हो या किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो और उस पर इसका प्रभाव हो, तब भी अशुभ फल मिलते ही मिलते हैं, और यदि इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतर हो तब भी अशुभ फल मिलते ही मिलते हैं, या साठ सती या ढैया चल रहे हो तो अशुभ फल मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा यदि ये दोनों 180 डिग्री पर आमने सामने हो तब भी इस युति का प्रभाव मिलता ही मिलता है, या दोनों एक दूसरे के, खासकर शनि राहु के नक्षत्र पर हो, राहु शनि के नक्षत्र पर, शनि राहु के, या फिर दोनों नव पंचम बैठे हों। मान लो मेष लग्न एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शनि बैठा हो
और राहु की प्लेसमेंट कर दीजिए 5 में या 9 में, तब भी ये ज्योति मानी जाएगी। ज्योति इसलिए मानी जाएगी क्योंकि मेष में मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और 5 में सूर्य की राशि हो सिंह, वो भी अग्नि तत्व है। धनु में बढ़ा दीजिए इसको, वो भी अग्नि तत्व है। तो तत्व सेम होने से त्रिकोण भाव हैं, इनकी ज्योति का फल मिलता ही मिलता है। इसके अलावा गोचर में, अब गोचर में यह स्थिति जैसे कि अभी बनी हुई है कि मकर में शनि और वृषभ में राहु गोचर कर रहा है, जिनके जन्म चार्ट में यह ज्योति हो प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि गोचर में बन चुका है, मिलेगा सभी को, कुछ कम कुछ ज्यादा। लेकिन एक सिचुएशन और है, यह ज्योति किसी के चार्ट में ना हो, राहु की प्लेसमेंट कहीं और कर दीजिए, शनि की प्लेसमेंट कहीं और कर दीजिए, और गोचर में ये बना हुआ है, तो कैसे मिलेगा प्रभाव उसका, समझिए। मान लीजिए कोई चार्ट ले लीजिए, मीन लग्न का ले लीजिए। अब मीन लग्न के चार्ट में 3rd भाव में शनि की प्लेसमेंट कर दीजिए, मकर में राहु की कर दीजिए, तो अब गोचर में शनि जो है वो मकर से गोचर कर रहा है, जहां जन्म का किसी के, मान लीजिए एग्जांपल है राहु बैठा हो, और इधर जन्म का राहु बैठा है, सॉरी शनि बैठा है 3rd भाव में, और मान अभी राहु गोचर कर रहा है, तो दोनों तरफ वो प्रभाव बन गया। अब ये प्रभाव अपना फल कितना अशुभ कितना शुभ या कितना कम अशुभ देगा, शुभ तो नहीं देगा, शुभ कितना देगा, ज़्यादा या कम, उसे कैसे देखें। अब ये डिपेंड करता है कि जो जन्म के प्लैनेट हैं दोनों शनि और राहु, उनकी डिग्री के ऊपर। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि मीन लग्न मैंने कहा कि 3rd भाव में शनि को बिठा दीजिए, इधर मकर में राहु को बिठा दीजिए, और दोनों की डिग्री एक एग्जांपल ले लीजिए कि 10-10 डिग्री पर दोनों बैठे हुए हैं, 10 डिग्री 20 मिनट पर दोनों को बिठा दीजिए। अब 3 डिग्री 20 मिनट तक, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट उसमें से कम करेंगे तो 6 डिग्री जब वो पहुंच गया शनि मकर में, तो प्रभाव मिलना शुरू हो गया। और जन्म का बैठा हुआ 10 डिग्री 20 मिनट पर, उसके अंदर 3 डिग्री 20 मिनट और जोड़ दीजिए, 13 डिग्री 40 मिनट जब वो क्रॉस करेगा तो प्रभाव जो है कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 6 डिग्री से 13 डिग्री 40 मिनट तक जो वो गोचर करेगा उसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा बुरे मिलेंगे। अब शनि कर्म का कारक है, करेगा क्या, कर्म को रोकेगा, मतलब हम देख रहे हैं दशा कुछ और चल रही है, हमें वो बड़े अच्छे भाव बता रही है लेकिन प्रभाव हमें बुरा मिल रहा है, चलता चलता काम रुक गया, आमदन हमारी एकदम से स्टॉप कर गई, और हम देख रहे हैं कि हमें दशा कुछ और चल रही है लेकिन प्रभाव हमें नेगेटिव मिल रहा है, वो इस युति के, इस गोचर के कारण। इसी तरह आप शनि के बारे में सोच सकते हैं कि यदि मीन में मान लीजिए शनि बैठा हुआ ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, तो जब तक वो उस डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा तो समझिए हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब कितनी देर होगी, अब शनि 1 डिग्री 1 मंथ चलता है, यदि शनि की बात करेंगे तो कम से कम 6.5-7 महीने लगेंगे उस डिग्री को कंप्लीट करने को। तो कहने का मतलब शनि राहु की युति जन्म चार्ट में हो, गोचर में हो, इस तरह बन जाए, यदि ना भी युति हो तब भी हमें बुरे प्रभाव दोस्तों मिलते ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों के बारे में, इस युति के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यदि तो हेल्थ खराब है बहुत ज्यादा किसी जातक की, मानसिक दबाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, तब तो सीधा उपाय बनता है कि 1 सूखा नारियल लीजिए, पानी वाला नहीं लेना, 8 बादाम लीजिए, ये तब भी कर सकते हैं कि लग्न में हो या 8 भाव में हो, क्योंकि 8 भाव में काफ़ी बुरा प्रभाव देता है इसका, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना कि 8 बादाम छिलका समेत गिरी नहीं लेनी, और 1 सूखा नारियल 7 बार सिर से उसार कर
शनिवार शाम को जब सूर्य अस्त होने का समय हो, चलते पानी में 8 शनिवार आप जल प्रवाह कीजिए। अशुभ फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। शनि लोहे का कारक है दोस्तों, मशीनरी का कारक है। राहु जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आजकल घरों में चलते हैं चाय बनाने वाले बर्तन, उसको क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसी चीज़ें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। शनि चमड़े का कारक है, लोहे का कारक है, और ख़ासकर यदि आपके 7th भाव में ये युति बनी हो तो शादी के समय भी ये सामान जो है गिफ्ट में ससुराल पक्ष से नहीं लेना चाहिए। ये ज्योति यदि 6th भाव में बनी हो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपके चार्ट में ये ज्योति किस भाव में है, किस राशि में है, मैं वही उपाय बता रहा हूँ जिसका बुरा प्रभाव आप लोगों को ना मिले। यदि ये ज्योति 6th भाव में बनी हो तब भी आप कोई जल प्रवाह मत कीजिए, लेकिन गोचर में बन जाए, जैसे कि अभी बनी हो इस तरीके से, शनि 6th में हो आपके चार्ट में या राहु 6th में गोचर कर रहा हो इस तरीके से, तो आपको चमड़े के जूते नहीं खरीदने चाहिए। कुछ और शूज खरीद सकते हैं, चमड़े के नहीं। उल्टा इनको जो मजदूर पेशा लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको आपको दान करने चाहिए। मैंने कहा कि 8th भाव में ये जूती हो तो आप जल प्रवाह वाला उपाय। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये ज्योति आपके 8th में हो तब भी प्रभाव 4th भाव पर जाएगा ही जाएगा, 12th भाव पर जाएगा ही जाएगा। 12th में बैठा हो तब भी प्रभाव 4th और 8th भाव पर जाएगा ही जाएगा। ये प्रभाव इनकी युति 4th भाव में हो तब भी प्रभाव 8th और 12th पर जाएगा ही जाएगा। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने कहा कि जहाँ भी कोई प्लैनेट हो अपने से 5वें और 9वें जो भाव है वहाँ पर 70% वो इफेक्ट देता ही देता है। अब कई शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है, उपाय की बात कर ली, कि यदि इस युति पर जन्म चार्ट में मान लीजिए, मैं भूल गया कि यह युति हो तो इसके ऊपर गुरु का शुभ प्रभाव आ जाए तो युति के जो बुरे फल हैं वो हमें नहीं मिलते या उनमें कमी आ जाती है। लेकिन एक बात नहीं समझ लगी, गुरु देगा इफेक्ट कहाँ से? हमने कहा कि जो लिखा हुआ है कि गुरु का शुभ प्रभाव इस युति पर आ जाए तो उसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है, लेकिन गुरु दे तो दे कहाँ से इफेक्ट? साथ वो खराब हो जाएगा, सामने बैठा होगा तब भी वो खराब होगा, बाकी बची उसकी 2 दृष्टियाँ, 5वीं और 9वीं। अब यदि मान लो ये 4 में बैठे हों तो 5वां 9वां भाव उसका 12वां और 8वां बना गुरु का, ठीक है, गुरु अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है, इसके अशुभ फलों में कमी करेगा, लेकिन गुरु के अपने कारक तत्व भी तो वीक होंगे। यदि ये 4 में बैठेगा, पहली बात वो 8 में होगा या फिर 12 में होगा, वो शुभ प्रभाव देगा। अब मेरा मानना है कि शुभ प्रभाव जो भी देगा दृष्टि में अमृत है मानकर चलता हूं मैं, लेकिन उसकी खुद की प्लेसमेंट ये नहीं है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो 12 में चला गया 8 में चला गया तो वो नेगेटिव प्रभाव देगा, वो तो जो है भावों का संबंध वो अलग चीज़ है। सिर्फ यहाँ पर जो इसके बुरे प्रभाव है उसको शुभ दृष्टि देगा, वो कितना शुभ करेगा और खुद कितना रह पाएगा। चलो 4 में नहीं है, किसी और भाव में ले लीजिए, लेकिन कहने का मतलब न पंचम योग से गुरु भी तो लपेटे में आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि इसको तो शुभ कर देगा नो डाउट, लेकिन गुरु के जो अपने फल हैं, गुरु की जो अपनी पावर है, जो उसका अपना बल है, उसमें कमी आएगी आएगी। तो दोस्तों ये चर्चा कि यदि किसी के चार्ट में ये युति बनी हो, हेल्थ खराब हो, तो आप जैसे उपाय बताया आपको, और गोचर में इसको कैसे देखते हैं वो मैंने आपसे चर्चा कर ही ली। और यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार आप देने के लिए सचमुच तैयार हैं।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपके दोस्त मित्र हैं एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।